वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टुडे वुमेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के बारे में। और ये मेडिसिन स्पेशली उन कपल्स के लिए है जिनका फिजिकल रिलेशन कभी कभार ही होता है, जैसे कि अनमैरिड कपल या फिर मैरिड कपल भी, बट उनका जो फिजिकल रिलेशन है हफ्ते में एक बार हो रहा है, महीने में दो बार हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। ये मेडिसिन रेगुलरली यूज़ करने के लिए नहीं है, या फिर ऐसे कपल जो कि डबल श्योरिटी के लिए, डबल प्रोटेक्शन के रूप में कुछ ऐसा विकल्प ढूंढ रहे हैं जिसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हों, तो भी आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर कपल्स मैंने देखा है कि वो डबल श्योरनेस के लिए कि उनको प्रेगनेंसी ना हो, तो वो क्या करते हैं, अनवांटेड 72 को ले लेते हैं या फिर आई पिल को ले लेते हैं। तो उसके कंपैरिजन में ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही सेफ मानी जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, कब करना है, किन फीमेल्स को इन्हें नहीं लेना होता, कौन कौन से इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, तो इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये मेडिसिन क्या है और ये काम कैसे करती है। तो ये जो दवाई है ये शुक्राणुनाशक दवाई होती है। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है नोनोक्सिनोल 9, जो कि एक स्पर्मिसाइडल ड्रग है। होता ये है, या फिर आपको पता भी होगा कि किसी भी महिला को प्रेगनेंसी रुकने के लिए क्या ज़रूरी है, पुरुष का स्पर्म मतलब शुक्राणु जरूरी होता है और महिला का अंडा अंडाणु जरूरी होता है। जब शुक्राणु अंडे से मिलता है तो अंडा क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है और महिला को गर्भधारण हो जाता है। तो ये दवाई क्या करती है, ये दवाई जब शुक्राणु से मिलती है तो स्पर्म की जो शुक्राणु की बाहरली परत है उसको ये डैमेज कर देती है। उससे होता ये है कि जो शुक्राणु है उसको लकवा हो जाता है, वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता है और स्पर्म की डेथ हो जाती है, मतलब शुक्राणु की डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार ये मेडिसिन अपना काम करती है। अब बात निकल कर आती है कि इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना होता है। तो गाइस देखिए, ये जो मेडिसिन है ये बुलेट टाइप मेडिसिन होती है, गोलीनुमा इसकी शेप होती है, और जब आप इसका रैपर खोलोगे तो इसके अंदर आपको मोम जैसी, जो मोमबत्ती की मोम होती है, सेम ऐसी ही मेडिसिन आपको देखने को मिलती है। ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप मोमबत्ती की मोम को टच कर रहे हो, और गर्मियों में कभी कभी ये मेडिसिन पिघल भी जाती है, तो उससे बचने के लिए आपको इस मेडिसिन को फ्रिज में रखना होता है, ठीक है। अब ये मेडिसिन यूज़ कैसे करनी है, तो देखिए ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ महिलाओं के लिए होती है, पुरुष इसका यूज़ ना करें। और महिलाओं को कैसे यूज़ करना होता है, ये मेडिसिन खाने के लिए नहीं होती है, इसको वजाइना के अंदर योनि मार्ग के अंदर इंसर्ट करना होता है, डालना होता है। कितना अंदर इंसर्ट करना है, जिस भी फीमेल को इंसर्ट करना है उनकी ये वाली जो मिडल फिंगर है जितनी अंदर जा सके उनकी वजाइना के अंदर, उतनी अंदर इस मेडिसिन को इंसर्ट करना है। जितना अंदर डालेंगे उतना बेटर रहेगा, उससे आपको प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये मेडिसिन कब रखनी होती है, तो जब भी आपका फिजिकल रिलेशन हो, मतलब इंटरकोर्स हो, सेक्स हो, उससे 10 मिनट पहले आपको ये मेडिसिन अंदर रखनी होती है, ठीक है। फिर बात आती है कि ये मेडिसिन कब तक अपना असर दिखाती है, तो वैसे तो कंपनी बोलती है कि हमारी मेडिसिन एक घंटे तक अपना असर दिखाती है, लेकिन कुछ पेशेंट बताते हैं कि ये जो मेडिसिन है मैक्सिमम 45 मिनट तक, मतलब पौना घंटा तक अपना असर दिखाती है। अगर आप 45 मिनट के बाद फिजिकल रिलेशन रखते हैं बिना इस मेडिसिन को यूज़ किए, या फिर बिना किसी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ किए, तो प्रेगनेंसी लगने के चांसेस रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 45 मिनट के बाद आपका दोबारा से फिजिकल रिलेशन हो तो आपको इस मेडिसिन को दोबारा से यूज़ करना होता है, ठीक है। फिर बात आती है कि हम लोग इस मेडिसिन को कितनी बार दिन में यूज़ कर सकती हैं, तो मैक्सिमम आप इस मेडिसिन को 5 से 8 बार तक यूज़ कर सकती हो, लेकिन जितनी बार आप इस मेडिसिन को यूज़ करोगे उससे वजाइना का पीएच मान खराब होने के चांसेस रहते हैं, जिससे फीमेल पार्टनर को वाइड डिस्चार्ज होने के चांसेस रहते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये मेडिसिन आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो ये जो मेडिसिन है बिना किसी पर्ची के, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। लेकिन अगर आप किसी छोटी जगह से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि ये मेडिसिन वहाँ पर अवेलेबल ना हो, जिसके लिए आपको
ये दवाई ऑनलाइन मंगवानी हो तो इन वेबसाइट से आप ये दवाइयाँ ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और इन वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस मेडिसिन को यूज़ करने के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होती हैं। तो वैसे तो अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ एक आधी बार कर रहे हैं तो इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इतने कम साइड इफ़ेक्ट होंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हुए भी हैं कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ बारी बारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इस मेडिसिन के बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। वजाइना के अंदर आपको दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है, वजाइना के अंदर घाव हो सकता है, जिससे आपको फिर आगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, वाइड डिस्चार्ज होने की दिक्कत रहती है, यूरिन पास करते समय जलन दर्द हो सकता है, मतलब कहने का है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, वजाइना के अंदर से आपको बदबू आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये सब हो सकता है आपको अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ बारी बारी करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस मेडिसिन को किन फीमेल्स को यूज़ नहीं करना है। तो नंबर वन, अगर आपको किसी टाइप का वजाइनल इन्फेक्शन है, ठीक है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, तो यूज़ नहीं करना। अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो 1.5 महीने तक आपको यूज़ नहीं करना है। प्रेगनेंसी के समय इन दवाइयों का यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर अगर आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, गर्भ निरोधक गोलियां खा रहे हैं, या फिर आपने कॉपर टी लगवाया हुआ है, तो भी आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है। इसके अलावा ये मेडिसिन रेक्टल यूज़ के लिए नहीं है। फिर यहाँ से बात निकल कर आती है कि क्या ये मेडिसिन वास्तव में इफ़ेक्टिव होती है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने में। तो वैसे तो काफ़ी सारी रिसर्चेज हुई हैं जिसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेडिसिन एक्चुअल में वर्क करती है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, बट प्रेगनेंसी लगने के लिए एक शुक्राणु ही काफ़ी होता है। तो उससे बचने के लिए कि प्रेगनेंसी ना हो, तो आपको क्या करना है, जो इजैकुलेशन है वो वजाइना के बाहर आपको करना है, मतलब जो स्पर्म का डिस्चार्ज है वो योनि में ना कर योनि के बाहर आप करेंगे, तो प्रेगनेंसी से आप बच सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।